नमस्कार। आज मेरे पास एक क्वेश्चन है कि जो हम जितने सारे हेल्थ प्रोडक्ट इस्तेमाल कर लें, हमने आयुर्वेदिक भी कर लिए और जो आजकल मार्केट में चल रहे हैं वो सब भी कर लिए, केमिकलाइज भी कर लिए, हर्बल भी कर लिए, सब तरीके के कर लिए, लेकिन हमारे बालों में कोई फायदा नहीं आता। तो इसका एक एग्जाम्पल ये है कि जैसे आप किसी चीज़ को साफ करने की कोशिश कर रहे हैं, तो अब जब आप उसको बाहर से चमकाने की कोशिश कर रहे हैं तो उसको अंदर से भी आपको उतना ही साफ करना पड़ेगा। वैसे ही हमारा शरीर है कि अगर हमारे शरीर के अंदर टॉक्सिन्स होंगे, न्यूट्रिशन एब्जॉर्प्शन प्रॉपर नहीं हो पाएगा, तो आप बाहर से कितने भी प्रोडक्ट अप्लाई कर लीजिए, आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो कोशिश कीजिए, क्योंकि जनरली आयुर्वेद में कहा गया है और हमारी बॉडी के मेटाबॉलिज्म में भी, ये हमारे जो बाल है, जो हमारे नाखून है, वो हमारे अस्थि धातु का मल है। मतलब जिससे बोन बनती है बॉडी में, उसी के जो टॉक्सिन के रूप में या उसका जो लास्ट प्रोडक्ट के रूप में हमारे बाल और हमारे नाखून बनते हैं। तो इस तरीके से अपनी कोशिश कीजिए कि अपना कैल्शियम इंटेक अच्छा रखें, अपने नेचुरल रिसोर्सेज से जैसे ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, मखाने हैं, तिल हैं, और थोड़ी देर धूप में भी बैठे। कोशिश कीजिए, जैसे हमारे यहाँ जो सूरज जी को अर्घ देने की, सूरज जी को अर्घ देने की जो परंपरा थी, सूर्य नमस्कार की परंपरा थी, वो इसीलिए थी ताकि हम थोड़े से उगते हुए सूर्य के संपर्क में जाएं और अपनी पूरी बॉडी को हील करें। तो कोशिश कीजिए अपने जो डाइट है वो हेल्दी रखें, रिच कैल्शियम रखें, और साथ ही साथ अपने बालों को क्लिंज अच्छे से करें, उनको गर्म पानी से न धोएं, उनको चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान से रखें। आप बाहर से चाहे कितने भी केमिकल्स अप्लाई कर लीजिए, कितने भी अच्छी चीजें अप्लाई कर लीजिए, वो इफेक्टिव नहीं होगी, क्योंकि जब तक हम अंदर से उसे स्ट्रांग नहीं करेंगे। हाँ, बाहर से आप केयर कर सकते हैं, जैसे आपने कोई मसाज करी, गरम तेल से मसाज करी, स्टीम दी उनको, अच्छे से क्लीन किया, लेकिन साथ ही साथ अपने इंटरनली क्लिंजिंग पर भी, इंटरनली नरिशमेंट पर भी पूरा ध्यान रखें। फिर भी कोई भी कंफ्यूजन हो, आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।